हेलो। हाँ जी सर, ऑल सेटिंग्स डन सर। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आई कैन स्टार्ट मैम? यस सर। ओके, थैंक यू मैम। फर्स्ट गुड आफ्टरनून निमी ऑफिसर्स एंड माय डियर टेनिस। First, I thanks all NIMI officers providing me and good chance in this virtual online classroom. My name is Anil Sachans. Today we are going to discuss mensulation part 1 and part 2. Okay. What is mensulations, functions, 2D, 2D figure, 3D figures? Discuss karenge. So first discuss karte mensulations. व्हाट इज मेंसुलेशंस? मेंसुलेशंस जिसको हम बोलते हैं ठोस ज्यामिति माप विद्या, ये कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? मोस्टली जनरली डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। लाइफ में कैसे लेंथ लेंथ लंबाई चौड़ाई वेट फाइंड आउट, लेंथ वेट हाइट फाइंड आउट है या फिर इस्टीमेट फाइंड आउट करना है, वहाँ पे मेजरमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स का ब्रांच का। ओके फर्स्ट डिस्कस करते हैं पीपीटी के द्वारा। फर्स्ट वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स निमी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम्स। टुडे माय टॉपिक्स मेंसुलेशंस। ओके, मेंसुलेशंस में आपने आप देख रहे हैं 2D फिगर्स देन 3D फिगर्स। तो मेंसुलेशंस में मोस्टली 2D प्लेन फिगर्स देन 3D मेन फिगर्स का मेजर करते हैं, मेजरिंग करते हैं। 2D मीन्स टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस मीन्स क्या क्या इसमें आ जाता है? टू डायमेंशंस मीन्स लेंथ और वेथ। ओके, तो इसमें 2D डायमेंशंस में क्या क्या देख सकते हैं? मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ट्रायंगल्स वगैरह, ये सब हमारे 2D डायमेंशंस वगैरह में आ जाते हैं। मीन्स स्टार्ट मेंसुलेशन पार्ट वन। मेंसुलेशन पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे 2D फिगर मीन्स प्लेन फिगर्स। ओके, तो फर्स्ट प्लेन फिगर्स में हम डिस्कस क्या करते हैं? मेंसुलेशंस का इंट्रोडक्शन। प्लेन फिगर मींस स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, पैरेललोग्राम, देन रोम्बस, ये सब हमारे 2D फिगर के अंतर्गत आते हैं। ओके, देन अभी हमारी नेक्स्ट क्लास 3D फिगर्स मींस ये जितने भी फिगर हैं 2D, स्क्वायर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल्स एंड पैरेलल रोम्बस, ये हम आज के मॉर्निंग आज के आफ्टरनून सेक्शन में 1 आवर्स के सेक्शन में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेंसुलेशन का इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट मेंसुलेशन किसने डेवलप किया था? ओके, तो 2D शेप आप देख सकते हैं, 2D शेप। ओके, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, ट्रेपेजियम्स एंड रेक्टेंगल्स, ब्लॉक्स वगैरह, पेंटाग्राफ्स वगैरह, ये सब 2D शेप्स हैं। 2D शेप्स में ओनली डायमेंशंस आपको दिखाई देगी, 2 डायमेंशंस। ओके, तो मेंसुलेशंस एक ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स की एक ज्योमेट्रिक की एक ब्रांच है, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं। इसका यूज फिगर्स वगैरह 2D फिगर एंड 3D फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एरिया एरिया वैल्यूम हाइट लेंथ विड्थ एज पर ड्राइंग के हिसाब से मेजर करना पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एवरी स्पीड, वेलोसिटीज एंड एसिलेशंस
वगैरह में हम इसको यूज करते हैं. पेरीमीटर्स टू द फाइंड आउट पेरीमीटर्स ऑफ द एरिया ऑफ ए प्लेन इज नॉन एम मेजरमेंट्स. मीन्स इसमें हम एरिया और पेरीमीटर्स मीन्स एरिया एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल और परिमिति वगैरह फाइंड आउट करते हैं. दिस कॉल्ड ऑफ मेजरमेंट्स. ओके, इंट्रोडक्शन में देखिए, अभी हमने देखा था ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री की मेजरमेंट्स. मेंसुलेशन इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स ये माप विद्या की एक मेंसुलेशन मेथड्स होता है जिसमें हम लेंथ एरिया वॉल्यूम और फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इसको डेवलप किसने किया था? इसको आर्किमिडीज पाइथागोरस में आर्किमिडीज का नाम सुना है आपने, उन्होंने इसको डेवलप किया था. इनके साथ में और भी साइंटिस्ट थे. ओके, तो हु इन्वेंटेड मेंसुलेशन इज मैथ. आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज. आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था. इनके साथ में और भी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था. ओके, तो आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको खोज किया था. ओके, तो ज्योमेट्रिकल्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह में क्या क्या आ जाते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेंथ को एल स्मॉल एल से फाइंड आउट करते हैं, यूनिट्स डायगोनल से डी, रेडियस को आर. ये जितने भी ज्योमेट्रिकल्स ऑब्जेक्ट ये आपको आगे काम आने वाले हैं, इस वजह से मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया कि रेडियस आर. पेरीमीटर्स को पी, एरिया को एरिया कैपिटल ए से, यूनिट्स स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं. जेंथ विड्थ को बी, एल डब्ल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर्स को डी, सेमी पेरीमीटर्स एस, सर्कमफेरेंस को सी से, और टोटल सरफेस एरिया पी एस ए यूनिट्स स्क्वायर एंड लेटलर सरफेस एरिया एल एस यूनिट्स. ओके, वैल्यूम को यू से फाइंड आउट करते हैं. ओके, फाइंड आउट मीन्स उसको शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है कि हम लेंथ को किस तरह यूनिट से उसको एल से डिफाइन करते हैं. ओके, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लेन फिगर. प्लेन फिगर मीन्स 2D फिगर में आपने पहले बताया था स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम, सर्कल, पैरेललोग्राम्स एंड रोम्बस. ओके, राइट, तो हम इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि ये 2D डायमेंशंस क्या क्या कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या फार्मूलाज वगैरह होते हैं जिसके हिसाब से हम प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्क्वायर. स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, जिसमें क्या इसमें इम्पोर्टेंस क्या रहते हैं, इसकी जितनी भी साइड्स होती है सब इक्वल साइज होती है. चार साइड से एक आकृति बनाई जाती है जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं. बट इसमें इसके जितने भी साइड्स है वो इक्वल साइड्स होते हैं. अगर एक साइड हमारी 5 mm की है तो ऑल साइड 5 mm की ही रहेगी. ओके, ठीक है, तो स्क्वायर ब्लॉक्स हैं आप देख सकते हैं. देन इसका फार्मूला वगैरह क्या है, इसका जो पेरीमीटर, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं. इसमें एरिया होते हैं क्योंकि इसका एरिया ए स्क्वायर मीन्स वन साइड इंटू वन साइड इसकी ए स्क्वायर. ओके, क्षेत्रफल इसका कितना होता है, ए भुजा का स्क्वायर. ओके, देन इसका पेरीमीटर्स की बात करते हैं. पेरीमीटर्स कितना है, फोर साइड मीन्स फोर ए, फोर साइड ए, पेरीमीटर मीन्स परिमिति. ओके, अगर डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल मीन्स पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था डायगोनल, तो डायगोनल को ए स्क्वायर इक्वल साइज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो डी इज इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर. ओके, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, रूट टू ए डायगोनल्स वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये जितने भी फोर ए मीन्स फोर साइड, एरिया क्षेत्रफल कितना है, साइड स्क्वायर्स दैट डायगोनल्स रूट ए इंटू साइड. ओके, नेक्स्ट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड मैंने अल्फाबेटिक देन साइड से एक्सप्लेन किया है. पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड, डायगोनल्स रूट ए. ओके, रूट ए रूट टू की वैल्यू है 1.414. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं. फाइंड आउट द एरिया ऑफ ग्रास सीड्स. ओके, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. स्क्वायर ब्लॉक्स, पेरीमीटर्स हमारा दिया है 31.2 सेंटीमीटर. ओके, तो हमने इसको सॉल्व किया,
पेरीमीटर्स हमारा, पेरीमीटर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 4a, राइट। ये बैक साइड आप देख सकते हैं, इसका पेरीमीटर्स हमने कितना दिया है 4a, हमने फार्मूला यूज किया। ओके, फार्मूला यूज करने पे 4a, देन हमारा पेरीमीटर्स कितना दिया है 31.2 सेंटीमीटर। ओके, तो 4a इक्वल टू 31.2 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 31.2 अपॉन 4। ओके, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर्स दिया है, तो हमें सबसे पहले एक साइड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 31.2 अपॉन 4 इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर्स। ओके, तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट के लिए हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला क्या है, स्क्वायर का फार्मूला है साइड इंटू साइड, अर्थात साइड का स्क्वायर। ओके, तो 7.8 × 7.8 × 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया। देन सेकंड प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स है फाइंड आउट द पेरीमीटर्स, डायगोनल्स एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, साइड दिया है, साइड ऑफ साइड इज 18 सेंटीमीटर। ओके, तो 18 सेंटीमीटर सबसे पहले पेरीमीटर्स हम निकालते हैं। पेरीमीटर्स का स्क्वायर का पेरीमीटर्स का परिमिति का फार्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हमारा 18 है, तो हमने मल्टीप्लाई करके 72 सेंटीमीटर्स। ओके, डायगोनल्स की बात करते हैं, डायगोनल्स हमारा ओके रूट टू को हमने इसमें 1.414 इंटू 18, तो हमने 25.45। ओके, और इसमें हमने एरिया की बात करते हैं, ए स्क्वायर 18.18 इंटू 324 सेंटी स्क्वायर्स। ओके, ये दो प्रॉब्लम्स है हमारे स्क्वायर के। देन सेकंड प्रॉब्लम्स की बात करते सेकंड्स टूडी की बात करते हैं, रेटेंगल्स जिसको हम हिंदी में आयत बोलते हैं। रेटेंगल्स हमारा क्या होता है, रेटेंगल्स मीन्स फोर साइड होती है, इसमें टू साइड इक्वल रहती है। टू साइड मीन्स जो आमने सामने की जो भुजाएं साइड से वो सामने की साइड्स इक्वल रहती है, मीन्स वन साइड या अपर साइड सामने रहेगी या उसके अपोजिट डायरेक्शंस में जो साइड है वो साइड बराबर रहेगी। दो साइड इक्वल रहती है, फोर साइड से इक्वल रहता है। ओके, ये और जितने भी एंगल्स वगैरह होते हैं ये सब 90 डिग्री पे एंगल्स होते हैं। इसका पेरीमीटर्स क्या रहता है, इसका परिमिति क्या रहता है, तो आप देख सकते हैं इसका पेरीमीटर्स रहे, इसका रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर 2 कोष्टक लेंथ इनटू विड्थ। ओके, 2 कोष्टक लेंथ प्लस विड्थ इसका पेरीमीटर्स है। ओके, आप देख सकते हैं पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स, विड्थ इनटू हाइट या विड्थ इनटू लेंथ भी बोल सकते हैं, कोई भी दो भुजाएं उसमें ले सकते हैं। एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, एरिया इनटू विड्थ इनटू हाइट या लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो दोनों तरह से हमने फिगर के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, रेक्टेंगल्स देख सकते हैं, रेक्टेंगल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स अल्फाबेटिक लेंथ इन विड्थ एल इंटू बी यूनिट्स। ओके, लेंथ और बी को विड्थ। ओके, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ओके, डायगोनल्स की बात करते हैं, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ओके, ओके, तो ये डायगोनल्स रेक्टेंगल्स आयत का हमारे फार्मूला है कि एरिया, सपोज एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल्स का, तो हम एल इंटू बी करते हैं जो भी साइड से। देन पेरीमीटर्स फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर में परिमिति फाइंड आउट करना है, 2 कोष्टक एल इंटू बी के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल, फाइंड दिस एरिया पेरीमीटर्स ऑफ दिस डायगोनल्स रेक्टेंगल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया की बात करते हैं। ए इक्वल टू होता है एल इंटू बी, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगल्स। सबसे पहले फाइंड आउट करिए इसमें क्या दिया है स्क्वायर। सबसे पहले ये देखिए, इसको पहले रीड करिए, जो एग्जाम्पल्स दिया है, जो क्वेश्चंस दिया है उसको रीड करिए कि ये रेक्टेंगल्स है क्या, स्क्वायर है क्या है, उसको फाइंड आउट करिए, फिर उसके हिसाब से फार्मूला इसमें पुट करते हैं। ओके, लेंथ हमारा आप देख सकते हैं, विड्थ लेंथ और विड्थ इसमें दिया है, लेंथ हमारा 144 इंटू 60 दिया है। ओके, तो इसके हिसाब से लेंथ और विड्थ दिया है, तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। और पेरीमीटर्स भी, इसका रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर्स होता है 2 कोष्टक एल प्लस बी। ओके, तो उससे हमारा पेरीमीटर्स फाइंड आउट हो गया। देन इसमें सब कुछ फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि लेंथ विड्थ दिया है। ओके, तो डायगोनल्स रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें पुट करा दिया, देन इसमें डायगोनल्स भी फाइंड आउट हो गए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स स्क्वायर ऑफ द 42 सेंटीमीटर्स।
width 9 cm, find the length. Okay, तो हमारा perimeters कितना दिया है, हमें इसमें length find out करना है. तो हमारा rectangles का परिमिति का formula है 2 cosec L into B. Okay, तो इसमें हमारा L दिया है, B find out करना है, तो हम इस formula पे put करा के हम उसको find out कर सकते हैं. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, पेरिमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स 48 सेंटीमीटर, देन लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ विड्थ. ओके, तो इसमें लेंथ दिया है, अगले वाले क्वेश्चंस में विड्थ दिया है, तो हमने उस हिसाब से उसको फाइंड आउट किया है. ओके, आप देख सकते हैं पेरीमीटर्स का फार्मूला लगा दिया 2 कोष्टक एल इंटू बी. ओके, तो इसके हिसाब से हमने इसको फाइंड आउट किया. ओके, देन प्रॉब्लम नंबर 4, हमने इसमें क्या किया है, रेक्टेंगल्स हाउ मेनी रेक्टेंगल्स पीस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स इनटू 20 सेंटीमीटर्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम दिस शीट ऑफ द 1000 सेंटीमीटर इनटू 500 सेंटीमीटर्स. शीट साइज दिया है 1000 सेंटीमीटर 500 शीट में, इसको कट कितना करना है, रेक्टेंगल्स पीस कट करना है 50 सेंटीमीटर इनटू 20 सेंटीमीटर्स. ओके, तो नंबर ऑफ पीस ऑफ कट बी लेंथ वाइज 100 thousands upon 50 into 20 piece, 20, then number of cut of width, then 500 upon 20. Okay, so ye 20 kitna ho gaya, 20 length ho gayi, then iski width ho gayi 25, then isme humne kya kiya, cut off piece 2500 numbers. Okay, total number of piece to be cut 500 piece. Okay, so then next 2D figures hai. पैरेलोग्राम्स जिसको बोलते हैं चतुर्भुज, इसमें क्या देते हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो चार भुजाओं से घिरा हुआ है, देन आमने सामने की जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स, टू पेयर्स पैरेलल साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड फेसिंग साइड ऑफ दिस पैरेलोग्राम ऑफ दिस इक्वल लेंथ एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलोग्राम्स ऑफ दिस इक्वल मेजर्स. ओके, पैरामीटर्स ऑफ पैरेलोग्राम्स का परिमिति क्या होता है, कि इसका परिमिति हम दो तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 इनटू 2 कोष्टक बी इनटू एस मींस लेंथ या विड्थ. ओके, 2 टाइम्स ऑफ बेसिक्स ऐड करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, साइड ऑफ लेंथ और इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया ऑफ पैरेलोग्राम्स मींस एरिया ऑफ पैरेलोग्राम्स मींस एरिया लेंथ और हाइट, इसका जो हमारा width into heights वगैरह हम इसको find out कर सकते हैं. okay, area इसको क्षेत्रफल हमें find out करना है, base हमारा base into heights के हिसाब से find out कर सकते हैं इसको. दूसरे method 2 कोष्टक s minus a s minus b s minus c के हिसाब से find out कर सकते हैं. s equal to a plus b equal to c upon 2 के हिसाब से हम इसको find out कर सकते हैं. okay, तो आप देख सकते हैं पहला ग्राम से इसे base into heights, perimeters 2 कोष्टक b into s, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम्स मीन्स 2 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 2 कोष्टक s minus a s minus b s minus c. ओके, और s इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, और जितने भी साइड्स और डायगोनल से भी हमारा c होता है, देन a b c साइड्स वगैरह. ओके, इसके एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, पैरामीटर्स वगैरह पैरेलोग्राम्स के एग्जांपल. तो जो बेसिक ऑफ हाइट ऑफ पैरेलोग्राम्स आर 7.1 सेंटीमीटर. ओके, 7.1 सेंटीमीटर, देन इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि इसमें हमें हाइट फाइंड आउट करना है. हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, तो इसमें हमने क्या किया, बेस इनटू हाइट्स, बेस हमारा दिया है, बेस हमारा 7.1 इनटू 2.85 दिया है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा 20.235 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है. ओके, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देते हैं, फाइंड ऑफ हाइट ऑफ द पैरेलोग्राम्स. इसमें एरिया दिया है, एरिया हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, देन बेस दिया है और हमें हाइट फाइंड आउट करना है. तो हमने हमारे पास फार्मूला है पैरेलोग्राम्स का, क्षेत्रफल का फार्मूला है बी इनटू हाइट्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, एरिया अपॉन बी. तो मैथ
मैथमेटिक्स में फार्मूला इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज का फार्मूला अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो हमें फाइंड आउट करना, फार्मूला लर्न करना है, उसके हिसाब से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, तो प्रॉब्लम नंबर थ्री देखते हैं. टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, द डायगोनल्स ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स. ओके, तो इसमें हमारे क्या क्या दिया है, तो हमारे ए बी सी साइड्स दिया है. ओके, डायगोनल्स डायगोनल भी दिया है, तो आप ध्यान रखिए इसको हमें फाइंड आउट करना है. तो ए बी सी तीनों दिया है, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. तो हमने ए हमारा 12 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन टू, 30 अपॉन टू इज इक्वल टू 15, एस इज इक्वल टू हमारा 15 हो गया. ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, हमें फार्मूला पे पुट कराते हैं. मीन्स एस पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला है, टू रूट एस कोष्ठक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ओके, तो इस फार्मूले पे हमने पुट करा दिया, देन हमारा एरिया ऑफ फाइंड आउट हमारा कितना हो गया, 79.37 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके राइट, तो देन ट्रेपेज़ियम देख लेते हैं. मीन्स इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं. इसमें चार भुजाओं, इसमें दो भुजाएं समांतर एवं दो भुजाएं असमांतर रहती हैं, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं. दो भुजाएं आपस में आप देख रहे हैं समांतर रहती है, दो जो साइड की भुजाएं हैं वो अनइक्वल साइज की रहती हैं. तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम मीन्स हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट. ओके, ए प्लस बी क्या होता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट. ओके, हाफ लेंथ एंड विड्थ इंटू हाइट. ठीक है, तो ट्रेपेज़ियम एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ ट्रेपेज़ियम, इसमें दो इक्वल साइज सेम रहती है, देन दो साइड्स अनइक्वल साइज रहती है, कॉल्ड समलंब चतुर्भुज. ओके, इसमें एरिया हमने फाइंड आउट किया, मीन्स दो समांतर भुजाओं का क्षेत्र, दो समांतर भुजाओं का योग, देन इनटू ऊंचाई. ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम सम नंबर ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. ओके, तो इसमें देखिए नीचे फिगर एग्जांपल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रेपेज़ियम, मींस इसमें दो इक्वल साइज हमारे सेम दिख रहे हैं, तो हमने इसमें फार्मूला पुट करा है, हाफ इनटू दो संलग्न भुजाएं जो भी है हमने उसको ऐड कर दिया, देन इसकी हाइट कितनी है, इसमें 8 प्लस 12 हमने ऐड किया, और 1 अपॉन 2 8 प्लस 12 इंटू 9. तो इसके हिसाब से हमने इसको फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया. सेकंड प्रॉब्लम हमारी दो अनइक्वल साइज 5, देन ओके, इसके हिसाब से हमने इसको फाइंड आउट करके, ये एग्जांपल्स वगैरह आपके सामने हैं, उसको हमने फाइंड आउट किया. ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो हमारे फार्मूला है किसी भी उसके फार्मूले के अनुसार हमारे इसको पुट कराते जाइए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. ओके, तो हाफ एल प्लस बी इंटू एच क्षेत्रफल. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स जैसा नाम है, थ्री एंगल्स थ्री साइड्स. ओके, तो इसमें वेरियस ट्रायंगल्स है, एनी एंगल्स आइसो. ठीक है, वेरियस एंगल्स की बात करते हैं. ट्रायंगल्स इज पॉलीगॉन्स विद दिस थ्री साइड्स, थ्री वेरियस एंगल्स वगैरह. ओके, शेप्स वगैरह एंड ज्योमेट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायंगल्स ए बी सी के हिसाब से डोनेट किया जाता है. टाइप्स ऑफ स्केलर्स, इक्विलेटर्स एंड स्केलेंस. ओके, तो इसमें पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायंगल्स का परिमिति कैसे ज्ञात करते हैं. ओके, और इसमें इसमें परिमिति मीन्स थ्री साइड्स, थ्री इक्वल साइड्स, सम साइड्स मीन्स ऐड कर देते हैं तो थ्री साइड्स हो जाता है. पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर्स ऑफ सम टोटल साइड को ए प्लस बी प्लस सी को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ट्रायंगल्स फाइंड आउट हो जाता है. पेरीमीटर्स ऑफ परिमिति ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट हो जाता है. अगर हमें इसको क्षेत्रफल इसको फाइंड आउट करना है कि इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, देन नेक्स्ट स्लाइड एरिया ऑफ आइसोस्कल ट्रायंगल्स मींस हाफ 1/4 बी इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो इसको एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया मीन्स आइसोलेटेड मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको. दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, तो
इसमें वन अपॉन फोर बी इंटू फोर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूनिट्स देन एरिया ऑफ इक्विलेटर्स मीन समबाहु त्रिभुज जिसको रूट थ्री बाई फोर ओके रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर्स ओके रूट थ्री की वैल्यू 1.732 तो इसको हमें फाइंड आउट करना है 3 अपॉन 3 इंटू टू पी इक्वल टू ओके तो पी इक्वल टू 3 अपॉन 2 ए यूनिट्स एरिया ऑफ स्केलेंस यूनिट्स मीन्स इसको विसंभाव त्रिभुज संभाव त्रिभुज और समद्विभाव त्रिभुज के नाम से जानते हैं ये ट्रायंगल्स फोर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं ओके एनी ट्रायंगल्स के हिसाब से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ मीन्स कोई भी साइड्स अगर इक्वल नहीं है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर वो फॉर्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ओके तो एस इक्वल टू डिफाइन करता है सेमी पेरीमीटर्स मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ओके तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है वेरियस फार्मूलाज वगैरह है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जिसमें हमारा बेस हाइट एंड अदर साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हाफ बेस इनटू हाइट ये भी एक फार्मूला है उसके हिसाब से फार्मूला बेस इनटू टाइम्स इनटू हाइट के हिसाब से डिवाइड करके हाफ बाई टू कर सकते हैं ओके बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन टू ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स कोई एनी एंगल्स वगैरह एनी ट्रायंगल्स वगैरह यूज करना है तो हाफ इंटू आधा बेस इंटू हाइट्स वगैरह फार्मूला वगैरह लगा के यूज कर सकते हैं ओके तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सेम 1/4 इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ इक्विलेटर्स ट्रायंगल्स रूट 3/4 इंटू साइड्स ये फार्मूला लगा के हम उसको कर सकते हैं मीन्स इसको हम बोलते हैं कि समद्विभाव त्रिभुज संभाव त्रिभुज और मीन्स विषमभाव त्रिभुज ओके तो विषमभाव त्रिभुज ये इतने तरह के ट्रायंगल्स है जिसमें रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूनिट्स स्क्वायर ओके तो एस ए बी सी है मीन्स एक ट्रायंगल्स है जिसमें हम एक्सप्लेन किया गया एरिया ऑफ राइट एंगल्स बेस इंटू हाइट अपॉन टू ओके तो प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं कैलकुलेट इट्स एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट्स ऑफ ट्रायंगल्स मींस इसको हमें फाइंड आउट एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हमें एक ट्रायंगल है जिसमें हाइट ऑफ ट्रायंगल्स 10 सेंटीमीटर दिया है ओके तो इसमें हमें बेस हमारा 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हमें हाइट दी है तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का जैसे हमने आपको बताया था ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए मीन्स आधार इंटू हाइट अपॉन टू उसको हमने फाइंड आउट किया फार्मूला पे पुट करा है तो 1/2 10 इंटू 3.5 ओके तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 35 अपॉन टू इसको हमने डिवाइड किया तो 70.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो ये हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया हमने इस क्वेश्चंस को जो भी है हमने इसको फार्मूले पे जो भी है जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो फार्मूले पे डिपेंड रहती है कि फार्मूला अगर आपको लर्न है तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा ओके कैलकुलेट द बेस ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर देन हाइट 3.5 फर्स्ट प्रॉब्लम्स को रीड करिए कि ये क्या कैलकुलेट द बेस ओके तो क्या करना है बेस को हमें फाइंड आउट करना है कि बेस कितना दिया है बेस कितना हमें फाइंड आउट करना है राइट तो बेस को हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है उसको नोट करिए एरिया कितना दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो इतना हमें दिया है तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला क्या है हमारा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइंड में लेकर आते हैं कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स बेस इंटू हाइट अपॉन टू तो उस फार्मूले पे हमने पुट करा दिया तो हमारा आंसर आपके सामने आ जाता है कि आंसर कितना है हमारा आप देख सकते हैं ओके तो ये आंसर हमारा निकल के सामने आ जाता है ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ
इक्वेटर ट्रायंगल्स हूज साइड्स इज 5 सेंटीमीटर्स. ओके, तो ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज दिया है, जिसमें उसकी वन साइड, इसमें ऑल साइड इक्वल रहेगी. जैसे मैंने बताया कि ये समबाहु त्रिभुज मीन्स ऑल साइड इक्वल रहेगी. ओके, तो इसमें एक साइड दिया है मीन्स ऑल साइड इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करिए, देन इसके बाद फार्मूला कौन सा इसमें पुट करा सकते हैं और इसमें क्या दिया है. ठीक है, इसमें साइड वन साइड दिया है. वन साइड मींस इसमें जितने भी इक्वल साइज रहती है सारे 5 सेंटीमीटर्स के हैं. ओके, तो 3/4 इंटू साइड कितना दिया है, 5 × 5. ओके, तो रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री की वैल्यू 1.732/4 × 5×5. ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है. ओके, राइट. तो सेकेंड हमारा पेरीमीटर वन साइड ऑफ दिस इक्वेटर्स ट्रायंगल्स इज 55 mm लॉन्ग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या दिया है कि हमें साइड दिया है 55 सेंटीमीटर्स. ओके, तो इसमें पेरीमीटर्स फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर्स समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर्स क्या रहता है, परिमिति क्या रहता है, p = 3 × साइड. ओके, तो इसका परिमिति हमारा फाइंड आउट हो जाता है 3 × 55, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 165 mm, राइट. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल, राइट. सर्कल्स मीन्स आपने देखा है एक सर्कल रहता है जिसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं. ठीक है, तो ये सर्कल्स वेरी इंपॉर्टेंट्स एवरी फील्ड्स में. सर्कल्स वगैरह फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, परिमिति फाइंड आउट करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फाइंड आउट करना है, तो हमें इस वृत्त इस फॉर्मूले पे हमें पुट कराना है कि एरिया सर्कल्स क्या है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट्स आप देख सकते हैं रेडियस, डायमीटर्स और सर्कमफ्रेंस. तीन चीजें आप इम्पोर्टेंट्स रहते हैं कि पार्ट ऑफ ए पॉइंट्स विच इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड सर्कल. ओके, आप देख सकते हैं इसमें रेडियस को आर से एक्सप्लेन किया गया है, डायमीटर्स ऑफ सर्कल को डी से एक्सप्लेन किया गया है, देन सर्कमफ्रेंस आप देख सकते हैं. ओके, तो π = 22/7 = 3.14. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया कितना रहता है, एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल πr². ओके, यू रिमेम्बर्स एरिया ऑफ सर्कल πr², देन r = होता है d/2. ओके, राइट. जो आप डायमीटर देख रहे हैं, डायमीटर्स क्या दिया गया है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, मीन्स r = 2d. ओके, तो r = 2d, हमने इसमें पुट करा दिया d/2, तो ये π/4 × d². ओके, तो ये दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर डायमीटर्स दिया है तो हमें एरिया ऑफ सर्कल का कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, π/4 d², देन रेडियस दिया है तो πr² यूनिट्स स्क्वायर. हमें कोई भी यूनिट स्क्वायर मीन्स कोई भी mm होगा, सेंटीमीटर्स होगा, या फिर mm कुछ भी फार्मूला है उसको स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr या फिर πd यूनिट्स. ओके, तो ये सर्कल है, सर्कल ऑफ द सिंपल शेप्स. ओके, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ प्लेन are this given the given distance of this given points, this centers, either bhi sides mein wo barabar rahenge koi bhi point se. Okay, this called of radius is it can also defined as this of these points and equal size. Aap dekh sakte hain circumference upar ka diameter diya hai, then radius diya hai, diameters diya hai. Okay, radius kidhar se points ki kahin bhi points aap touch karenge radius utna hi rahega, राइट. तो एरिया ऑफ सर्कल्स आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस, रेडियस एंड डायमीटर्स. एरिया ऑफ
सर्कल जो मैंने पहले बताया था, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ सर्कल्स पाई आर स्क्वायर्स, और पाई क्या है, एक लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स है, उसके हिसाब से हमें सर्कल्स का नंबर ऑफ स्क्वायर्स वगैरह फाइंड आउट करने पड़ते हैं. ओके, देन सर्कल्स एरिया ऑफ सर्कल्स पाई आर स्क्वायर्स, देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर. ओके, ये एक सर्कल है, उसको हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो हमारे इसके लिए ये फार्मूला हमें फिट किया है. मीन्स एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर. यू रिमेम्बर एरिया को हम क्षेत्रफल से जानते हैं, और जो हमारा परिधि होता है, परिधि मीन्स टू पाई आर. ओके, तो इसमें आर इक्वल टू डी अपॉन टू. ओके, डी इक्वल टू टू आर मीन्स उसको डबल होता है. ओके, तो आर की जगह हम डी अपॉन टू भी रख सकते हैं. ओके, तो सेमी सर्कल की बात करते हैं. सेमी सर्कल इज सेक्टर्स हुज सेंटर्स एंगल ऑफ इज 180 डिग्री. ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क इज सेमी सर्कल्स लेंथ इज आर्क टू आर. ओके, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है तो पाई आर यूनिट्स वगैरह लगा के उसको हम फाइंड आउट करेंगे. और सर्कल सर्कुलर रिंग वगैरह अगर फाइंड आउट करना है, सर्कुलर रिंग में दो रिंग होते हैं, आउटर रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्मॉल इनर रेडियस ऑफ सर्कल रिंग. तो इसको हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो इस तरह हम सर्कल फाइंड आउट करते हैं. सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कल में क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर. ओके, तो इसमें सेमी सर्कल रहता है, सेमी सर्कल के लिए पाई आर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन टू. ओके, देन सर्कुलर रिंग मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर यूनिट्स. ओके, तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि सर्कल किस तरह, एरिया ऑफ सर्कल किस तरह फाइंड आउट करेंगे. पाई आर स्क्वायर, देन उसका परिमित परिधि वगैरह कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू पाई आर. ओके, तो सेमी सर्कल के परिधि पाई आर, देन एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन टू. ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं. फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल कि क्या फाइंड आउट करना है. एरिया एक सर्कल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है. तो उसमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस 1.54 मीटर. ओके, तो रेडियस हमारा आर इंटू 1.54 सेंटीमीटर दे दिया है. तो हमारा सर्कमफेरेंस भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. ओके, अभी आपने देखा था सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. तो हमने क्या किया, पाई का जो वैल्यू है 22/7. ओके, 22/7 और आर कितना दिया है 1.54 मीटर इंटू 1.54, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7.45536 मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर दिया. देन एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर. ओके, तो आर हमारा दिया हुआ है, देन हमने फार्मूले पे फिट करा दिया 2 इंटू 22/7 इंटू 1.54. ओके, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 9.68 मीटर. ओके, तो इस तरह हमने एरिया ऑफ सर्कल्स, इसमें स्मॉल इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल्स, देन इतना वन साइड रेडियस इतना दिया है, डायमीटर्स इतना दिया है. तो आप फार्मूला आपको लर्न करना है, फार्मूला आपको लर्न होगा तो देन आप एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस या अदर्स आप निकाल सकते हैं. ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फाइंड आउट सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एरिया, मीन्स सर्कुलर शेप वगैरह दिया हुआ है. कितना दिया है, 616 मीटर स्क्वायर. देन एरिया, एरिया कितना दिया है. ओके, एरिया हमारा दिया है 616 मीटर स्क्वायर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, आर इंपॉर्टेंट है, आर हमारे दिया भी नहीं है. तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे पाई आर स्क्वायर यूनिट्स. ओके, आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616. तो आर इक्वल टू होता है 616 अपॉन पाई. ओके, तो पाई की वैल्यू हम दो तरह से रख सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14 रख के आप उसको वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके,
तो आर इक्वल टू 196 आ गया, तो इसको आर इक्वल टू 196 इक्वल टू 14, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 14 रेडियस कितना आ गया, 14 मीटर्स, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस मींस एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr, तो आर की जगह हमने 14 तक रख दिया, देन इसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 रख के इसको वैल्यू को पुट करा दिया, ओके ओके। तो ये फार्मूला हमारे, ये हमारे एग्जांपल्स वगैरह है, आपको फार्मूला के साथ में मैंने प्रॉब्लम्स वगैरह भी ऐड किया है जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ओके। देन प्रॉब्लम नंबर, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर कट आउट फ्रॉम ऑफ द सर्कल्स 50 सेंटीमीटर डाया, ओके। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का जो डायमीटर्स है डायमीटर्स ऑफ स्क्वायर, ओके। तो रूट टू ए इंटू 50 कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर्स दिया है सर्कल ऑफ स्क्वायर, ओके। लार्जेस्ट स्क्वायर कट आउट फ्रॉम ऑफ सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर डाया, ओके। तो रूट टू इंटू ए इक्वल टू 50 मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है 50 सेंटीमीटर्स, और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर मीन्स फार्मूला, अब देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, मीन्स रूट टू इंटू ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए फाइंड आउट करना है, तो ए फाइंड आउट करने के 50 अपॉन रूट ए, ओके। 50 अपॉन रूट ए को फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने दो तरह से हमने बताया था, 50 अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 1/414, हमने इसमें पुट करा दिया तो हमारा कितना आ गया 35.36 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है, ओके क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हमारा क्या है, कैलकुलेट द नेक्स्ट एग्जांपल है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके। फर्स्ट एक चीज देखिए, ये पूछ क्या रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि सेमी सर्कल हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो जब हमें सेमी सर्कल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि सेमी सर्कल हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है सेमी सर्कल में इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, परिधि का फार्मूला कितना है, पाई आर और एरिया कितना रहता है, हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, राइट। ये दो फार्मूले हमें ध्यान पे रखने पड़ते हैं कि सपोज सर्कल पूछ रहा है, सेमी सर्कल की जगह सर्कल पूछ लेते हैं, और सर्कल की जगह हम सर्कल है सेमी सर्कल इसमें पूछ दिया, या फिर अदर्स पूछ सकते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना, सेमी सर्कल जस्ट माइंड में हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह ध्यान देते हैं, ओके। तो सेमी सर्कल पूछा है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना रहेगा, इसका परिमिति कितना, पाई आर, देन एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, ओके। तो रेडियस हमारा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, ओके। तो हमने इसमें फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, आप देख सकते हैं 22 × 7 × 6 × 6 आंसर कितना हो गया 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो पेरीमीटर्स ऑफ सेमी सर्कल मीन्स अभी हमने सर्कल के बारे में जाना था, तो अभी हमने इसमें सेमी सर्कल के बारे में हमने फार्मूला पुट कराया, सेमी सर्कल के बारे में आपने फार्मूला आपने हमें मालूम है पाई इंटू आर, ओके। तो पाई इंटू आर हमने फिट करा दिया, देन ओके राइट। तो उसके हिसाब से हमें इसमें सर्कल्स वगैरह फाइंड आउट हो गया, ओके। देन रोम्बस, ओके, इसको समांतर समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं, जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, बट इसमें डायगोनल्स वगैरह भी रहते हैं। तो इसमें हमें एरिया ऑफ आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ए बी सी डी इसको एक्सप्लेन किया गया, लेंथ इक्वल इन लेंथ, ओके। इसकी जो ऑल इक्वल साइज रहती है वो बराबर रहती है, जो इसका रोम्बस इज ऑफ स्ट्रेंथ कॉल्ड इज, जो डायमीटर्स वगैरह दिया है, डायमीटर जो डायगोनल्स वगैरह दिया है डी वन इंटू डी टू से एक्सप्लेन किया जाता है इसको, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट पेरीमीटर्स और एरिया वगैरह फाइंड आउट किया जाता है, पेरीमीटर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसकी
फोर्थ साइड इसका इक्वल है, पेरीमीटर से जो फोर्थ साइड आप देख सकते हैं रोम्बस का, इसका ऑल साइड इक्वल है एस 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 एस, ओके तो चार साइड इसके इक्वल है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4s, ओके और इसका एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स क्या दिया है इसमें, डायगोनल्स वगैरह दिया है, डायगोनल्स कितना दिया है d1 into d2 upon 2, दो डायगोनल्स वगैरह दिए हैं ना, तो उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का, मीन्स दो डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके अपॉन टू के हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके राइट, साइड लेंथ ऑफ रोम्बस, हाइट इनटू रोम्बस, ओके देन एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप मीन्स आप देख सकते हैं रेक्टेंगल्स का एरिया कितना, रेक्टेंगल्स तो हम कैसे एल इंटू वेथ एल इंटू ए या फिर एल इंटू हाइट्स के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, ओके और इसको हमने स्क्वायर को एरिया किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया भुजा जो साइड है साइड इंटू ए, ओके और ट्रायंगल्स को बेस इंटू हाइट अपॉन टू, एनी ट्रायंगल्स वगैरह को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस इंटू हाइट्स, ओके अब इसके बाद सर्कल्स को हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं पाई आर स्क्वायर्स, ओके और पैरेलोग्राम्स को बेस इनटू हाइट्स एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रेपेजियम को दो संलग्न सामने की भुजाओं को आपस में ऐड कर देते हैं और इनटू हाइट्स ए प्लस बी इनटू हाइट अपॉन टू, ओके तो इस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके एप्लीकेशंस ऑफ मेंसुलेशंस मींस इसका एप्लीकेशंस वगैरह क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए फाइंड फर्स्ट इम्पोर्टेंस रहता है कि मेंसुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ओके तो इम्पोर्टेंस कैसे रहता है मेंसुलेशंस इम्पोर्टेंट है मींस इसमें एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एक लैंड है उसका एरिया कितना है इस वजह से हम उसका वो रेक्टेंगल शेप में है स्क्वायर शेप में है किस शेप में है टूडे, ओके या फिर उसका हमें हाइट लेंथ विड्थ फाइंड आउट करना है तो कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके एक प्लॉट का लैंड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और पार्किंग लॉट ऑफ कितना पार्किंग लॉट का एरिया कितना है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस, ओके तो फाइंड ऑफ लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके और इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट वैल्यूम वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूज वगैरह फाइंड आउट, प्लानिंग ऑफ जर्नी, ठीक है प्लानिंग ए कार जर्नी मीन्स जो जर्नी कर रहे हैं उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कितना इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है कितने टाइम से में हम इसको पहुंचेंगे, ओके फाइंड आउट दिस, ओके तो ये मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग ए कार जर्नी वगैरह कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लिविंग दी डोर ऑफ दिस मेज चेक इन दी वेदर, आप घर से बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है मीन्स वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके तो वैल्यूम ऑफ मर्कुरी एंड थर्मामीटर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके वेदर वगैरह मेजर कर सकते हैं, ओके फाइंड आउट वैल्यूम ऑफ मटेरियल्स वगैरह की जो उसका वैल्यूम है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके तो जो भी कुछ है मेंसुलेशंस एवरी डे टू डे लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट से मींस कहीं भी आप जाते हैं अगर आप एस्टीमेट वगैरह लेने जाते हैं या क्लॉथ्स वगैरह कुछ लेने जाते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना है सॉलिड्स वगैरह कितना है वहाँ वगैरह में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का कॉस्ट कितना है और वॉल वगैरह कितना इसमें यूज कर सकते हैं, ओके तो ये हमारे मेंसुलेशंस के एप्लीकेशंस वगैरह है वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें किस तरह से मेंसुलेशन हम यूज कर सकते हैं, ओके तो अभी हम फिर से कोई भी क्वेश्चंस एनी डाउट है प्लीज सेंड ऑन माय मेल anilsachan85@gmail.com तो इसके हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमने मेंसुलेशंस के बारे में डिस्कस किया, मेंसुलेशंस मेजर्स करना, मेजर्स क्या करना 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स के बारे में, तो मेंसुलेशंस जो हमारी
मेजर्स मेथड्स है उसको हम फाइंड आउट करते हैं. मेथड्स मेडल में 2D फिगर, टू डायमेंशंस मींस लेंथ इनटू वेट. 3D फिगर्स मींस थ्री डायमेंशंस जिसमें लेंथ इनटू वेट एंड हाइट्स वगैरह हमारे आ जाते हैं. इसमें हमने फर्स्ट देखा था स्क्वायर. स्क्वायर को हमने वर्क के स्क्वायर में हमने क्षेत्रफल वगैरह कैसे देखा था. इसका क्षेत्रफल देखा था साइड इनटू साइड मींस एरिया ऑफ स्क्वायर मींस साइड इनटू साइड मींस ए स्क्वायर. डायगोनल्स हमने देखा था कि साइड इनटू रूट ए. ओके रूट रूट टू इनटू ए इसको डायगोनल्स. और इसका पेरीमीटर्स वगैरह कैसे देखा था. फोर इंटू साइड्स पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड. ओके सेकेंड हमने देखा था रेटेंगल्स. रेटेंगल्स को हमने देखा था इसको हम आयत बोलते हैं जिसका हमें एरिया ऑफ रेटेंगल्स हमने फाइंड आउट किया था लेंथ इनटू वेथ के हिसाब से एरिया ऑफ रेटेंगल्स फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ पेरीमीटर्स हमने फाइंड आउट किया था. पेरीमीटर्स मीन्स टू कोष्टक एल इंटू बी. ओके टू कोष्टक एल इंटू बी के हिसाब से हमने इसको पेरीमीटर्स फाइंड आउट किया था. रेटेंगल्स का हमने डायगोनल्स फाइंड आउट करना है. तो डायगोनल्स हमारे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता है. पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके इस हिसाब से हम डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. पैलोग्राम्स मीन्स समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं. इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ पैलोग्राम्स मीन्स बेस इनटू हाइट्स के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें टू कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी फाइंड आउट करते हैं. देन एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. ओके देन इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. बाद नेक्स्ट हमने देखा था रोम्बस. रोम्बस मीन्स समांतर समचतुर्भुज. चारों भुजाओं आपस में बराबर रहती है बट डायगोनल्स वगैरह रहते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस में अनइक्वल साइज की रहती हैं उसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स मींस हाफ समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई. ओके ए प्लस बी कोष्टक इनटू हाइट अपॉन टू. ओके उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं. देन नेक्स्ट आता है ट्रायंगल्स जिसमें तीन साइड्स रहती हैं. तीन एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको त्रिभुज बोलते हैं. एनी एंगल्स के लिए एरिया ऑफ एनी एंगल्स मीन्स बेस इनटू हाइट्स अपॉन टू फार्मूला यूज करके हम उसको यूज करते हैं. ओके आइसोस्कल्स मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं जिसमें एरिया बी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो नेक्स्ट हमारा आता है समबाहु त्रिभुज. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स एरिया ऑफ थ्री अपॉन रूट थ्री अपॉन फोर इंटू भुजा स्क्वायर. ओके तो ये फार्मूला वगैरह लगा के हम समबाहु त्रिभुज वगैरह इसको फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके देन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रहता है पेंटाग्राफ. एरिया ऑफ पेंटाग्राफ राइट. पेंटाग्राफ आपने सुना है पेंटाग्राफ हेक्सागोनल मीन्स जो भी पेंटाग्राफ्स होते हैं एरिया ऑफ पेंटाग्राफ्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया. तो इसका फार्मूला है 1.7205 इंटू साइड स्क्वायर. ओके तो एरिया ऑफ पेंटाग्राफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका फार्मूला 1.7205 इंटू साइड स्क्वायर. और अगर हमें हेक्सागोनल फाइंड आउट करना है कि इसका हेक्सागोनल का एरिया कितना है तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू 6. ओके क्योंकि हेक्सागोनल में कितना रहता है 6 रहता है ना. तो रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इसको हमने एक्सप्लेन किया है 2.598 इंटू साइड स्क्वायर. ओके तो पेंटाग्राफ्स इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एरिया ऑफ पेंटाग्राफ्स के लिए 1.7205 इंटू भुजा स्क्वायर. ओके और हेक्सागोनल के रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू 6 2.598 इंटू साइड स्क्वायर. ओके अभी हमने ये सब फाइंड आउट किया. और अगर हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ बेल्ट तो लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे. पाई इनटू आर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का
होल स्क्वायर्स, ओके। ये ओपन बेल्ट ड्राइव ड्राइव सिस्टम्स के लिए है, देन क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम के लिए पाई इंटू आर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ओके। ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए मेजर करना है, मेजर करने के लिए ओपन बेल्ट ड्राइव क्रॉस बेल्ट ड्राइव आपको मालूम है। लास्ट में डिस्कस करते हैं, अगर आपके एक रूम है उसकी चारों दीवारों का एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो उसका एक फार्मूला है टू एच एल प्लस बी, ओके। टू एच कोष्टक में एल प्लस बी, वो फार्मूला लगा के आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे जितने भी फार्मूलाज है, ये हमने अभी मेंसुलेशन पार्ट वन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो पार्ट वन में हमने अभी आपने देखा कि पार्ट वन में 2D डायमेंशंस वगैरह थे, उसके हिसाब से हमने उसको फाइंड आउट किया, ओके। तो अभी हमारा पार्ट टू मेंसुलेशन पार्ट टू आज ही क्लास है, 4 o'clock हमारा टाइम है, उस टाइम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। मेंसुलेशन पार्ट टू 4 o'clock हमारा आज ही टॉपिक्स है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अभी जो 4 o'clock क्लास होगी उसमें 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, मेंसुलेशंस पार्ट टू। अभी हमने 2D के बारे में डिस्कस किया, देन अभी 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, 3D फिगर्स के बारे में कि 3D फिगर्स में कौन कौन से फिगर आ जाते हैं, ओके। तो इसको हमने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया, 2D फिगर्स देन 3D फिगर के हिसाब से, ओके। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे मेल करिए, मैं उसका जैसे एज पर टाइम के हिसाब से मैं आपको आंसर देता रहूँगा, ओके। 4 o'clock हमारी क्लास है, तो 3D के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू वेलकम।